उत्कृष्ट सेनन नहीं है लेकिन हीन सेनन तो है। तो हीन सेनन में यही जो लास्ट के तीन सेनन है ये सेनन होते ही हैं, और इन तीन सेननों के माध्यम से भी जीव अपनी मुनिचर्या का पालन करते ही हैं, धर्म ध्यान करते ही हैं, और उस धर्म ध्यान के माध्यम से अच्छे अच्छे पदों को भी प्राप्त होते हैं और स्वर्गों में भी जाते हैं। तो इस तरह के सेननों की कमी ना कभी पहले देखने में आई है पंचम काल में और ना अभी दिख रही है, अभी भी हैं अच्छे अच्छे तपस्या करने वाले साधक भी आपको दिख रहे हैं, बस आँख खोल के देखो, समझ आ रहा है ना। हाँ, ऐसी ठंडी में भी आचार्य महाराज बिना चटाई के बिना किसी चीज के रात रात भर जो है ना, चाहे सोते हो या नहीं सोते हो लेकिन सहनन है तभी तो सहन कर रहे हैं। तो सहन करने की जो शक्ति है वो तो अभी भी साधकों में है ही है ना। अभी भी ऐसे मुनिराज हैं जो एक आहार एक उपवास, दो उपवास एक आहार अभी निरंतर करते ही रहते हैं, है ना। एक चंद्रप्रभु सागर महाराज हैं संघ के, तो वो भी करते रहते हैं। बहुत से और भी बहुत सारे साधक हैं कई जगहों पर, बहुत सारे लोग पाँच पाँच दस दस उपवास करते बिना सहनन के हो जाता है। तो सहनन है अभी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, है ना। आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, कितने बड़े तपस्वी हुए, कितने बड़े बड़े उन्होंने व्रत किए, तो आखिर वो कोई चौथे काल में थोड़ी ना हुए, अभी के ही तो थे। तो ये सब चीज़ें देख करके आपको ये सोचना है कि जो बड़ा सेनन केवल ज्ञान के योग्य होता है वो नहीं है, लेकिन तपस्या करने के लिए अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए भरपूर है, मन बना के रखो और कोई भी गलत धारणा मत बनाओ, है ना। मुनि महाराज के पास सेनन होगा तभी वो मुनि व्रतों का पालन कर पाएंगे, अन्यथा वो कुछ नहीं कर पाएंगे।